एकदम सही समझती हूँ मैं रज्जो दलाल को। शायद रज्जो दलाल के जो फैंस हैं वो उतना उसको समझ नहीं पा रहे हैं जितना मैं समझ रही हूँ। बोलते हैं ना कि जिसको आप प्यार करते हैं उसको जो है आपकी आंखों में उसकी कमी जो है दिखाई नहीं देती है। जो इंसान न्यूट्रल रह के किसी इंसान को देखता है ना, उस इंसान की कमियाँ और उस इंसान की खूबियाँ ज़रूर दिखाई देती हैं। मैं रज्जू दलाल के लिए एकदम न्यूट्रल हूँ और उसकी कमियाँ और खूबियाँ बाखूबी दिखाई देती हैं मुझे। अब एक प्रोमो आया है जो कि अविनाश के साथ जुगलबंदी जो है वो कर रहा है। जब से करणवीर वन लाइनर पुकारा जाने लग गया है घर में, जो भी गेस्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो यही बात बोल रहा है कि भाई तुम्हारे वन लाइनर, तुम्हारे वन लाइनर। उसके बाद इसने जो है अब यही बातें जो है वो बोलनी शुरू कर दी है, शायरियाँ बोलनी शुरू कर दी है। चलो अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है कि ऐसी वैसी शायरी बोल रहा है, बहुत अच्छी शायरी बोल रहा है, कमाल की शायरी बोल रहा है। स्माइल बहुत अच्छी है रज्जो की, ठीक है, मजाक सीरियस मजाक करता है, कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती है। भाई इस बंदे के साथ दुश्मनी थोड़ी ना मेरी कि भाई इसको या इसने मेरा ये कर दिया या वो कर दिया। यहाँ पर इसे घर में जो है इसकी हरकतें और इसकी पर्सनालिटी जो एक साइड की है वो मुझे पसंद नहीं आती है, और वही चीज़ के ऊपर जो है मैं गॉसिप करके इसको रज्जो दलाल बोलती हूँ। हाँ, निशाने पर है तेरा सजन, हाँ निशाने पर है तेरा सजन। अपनी बहन को ही इशारा कर रहे हैं जो ईशा को बनाया है, और कहीं ना कहीं जो है अविनाश को सजन बोल रहे हैं यहाँ पर रज्जो भैया। तो निशाने पर है तेरा सजन, बिना बात के क्यों कर रहे हो तुम भजन, ढूंढ रहे हो तुम शांति, अब होगी घर में क्रांति। ये बात जो है बोल रही हैं रज्जो दलाल बैठे हुए। करणवीर बड़े मजे ले रहा है, सारा अरफीन बड़े मजे ले रही है, और उसी दौरान ही वहां पर जो बैठी है शिल्पा बड़े मजे ले रही है, और ये बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अभी ये फालतू की उंगलियां करने लगा है। तो बिग बॉस वाले चाहते ही ये थे, बिग बॉस वाले ये चाहते थे कि इसका असली चेहरा जो है वो सामने आए, और इसका असली चेहरा जो है वो सामने आ भी रहा है। और मतलब बैठे हुए बोले जा रहा है, वहां से अविनाश भी जो है ये कौन बोल रहा है, ये किसकी बकवास आवाज आ रही है, तो अचार वचार ये वो काफी सारी चीजें जो है ये लोग कर रहे हैं। मजा काफी ज्यादा आ रहा है, एक अलग टाइप की दुश्मनी जो है वो दिखाई दे रही है, एक अलग टाइप की जुगलबंदी जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे। पर एक बात जरूर है कि भाई ये लोग मतलब कि जो जो रज्जो दलाल है वो किसी और की पर्सनालिटी, अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेरा चैनल फॉलो करते हैं तब आप लोगों को पता होगा कि मैं ये वर्ड दोबारा दोबारा से मैं बोलती जरूर हूं जब भी मौका मिलता है, जब भी सिचुएशन बनती है, कि रज्जो जो है वो किसी और की पर्सनालिटी को अपने अंदर धारण कर लेता है, और शायद उसको भी पता नहीं चलता है, उसको वो पर्सनालिटी अच्छी लगती है बट ऑटोमेटिकली उसमें वो पर्सनालिटी जो है वो निकलने लगती है। और ये बात तो भाई मैं पहले से बोलती हुई आई हूँ, और अब जो है इवन रवि भैया ने भी आके बोल दिया था कि कभी करण बन जाते हो, कभी विविन बन जाते हो, कभी अविनाश बन जाते हो, तो तुम कब कहाँ पर आओगे, तुम कब बाहर निकलोगे, तुम कौन हो भाई, तुम सच्चाई तुम्हारी कैसे बाहर निकलेगी, ये चीज़ उन्होंने भी बोल दी, और एक्चुअली में ऐसा होता है, दिखाई देता है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि भाई मेरी ऑब्जर्व, मैं ऑब्जर्व जो कर रही हूँ वो एकदम सही कर रही हूँ। बाकी भाई जो लोग मेरे को पसंद नहीं करते वो तो मेरे को कुछ ना कुछ गालियां तो देंगे ही, तो मुझे वैसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।